यात्रा की बहुत बहुत बधाई। बस आने ही वाला है, दो कदम दूर है, दरवाजे पर दस्तक हो चुकी है और हम बस खुले दिमाग से और खुले दिल से उसका स्वागत करें। 2017 आ जाओ, चलो मिलकर जिए। कहीं ना कहीं निर्भया जैसे मामले हो रहे हैं, हाँ, साल बीत गए, नए नए कानून आए, इस आधी आबादी को कैसे सुरक्षित किया जा सके? ये वो हमारे आई थिंक देश के लिए बहुत ही काला दिन था जब ऐसा हुआ, और वो भी देश की राजधानी में, तो और भी बुरा लगता है क्योंकि देश की राजधानी में सब बड़े दिग्गज लोग रहते हैं, तो यहाँ की सुरक्षा सबसे ज़्यादा होनी चाहिए। और कोई भी देश की राजधानी है उसका प्रतिबिंब होती है। अगर राजधानी में ये सब हो जाए तो छोटे दूर कस्बों में तो क्या हो सकता है, ये बाहर के लोग बैठकर सोचते ही रहते हैं। इसकी तो मतलब जितनी भी हम क्या कह सकते हैं, शर्म से झुक जाता है इसे कि इस तरीके के लोग भी जिंदा हैं और उनको किसी ने जन्म दिया है। तो मेरे ख्याल से उन सब चीज़ों पे बहुत दुख लगता है और कहीं ना कहीं फिर एकदम से महसूस होता है कि हम शायद अभी भी मानसिकता हमारी वही है, घटिया। लेकिन फिर और बहुत साक्षी मलिक हैं, गीता फोगट हैं, उनको देखकर लगता है कि नहीं, आप उनको नीचे नहीं कर सकते, पीछे नहीं धकेल सकते, वो आगे आएंगी। तो मिक्स है, मतलब बुरा लगता है जब कोई ऐसा गलत इवेंट होता है, लेकिन फिर और बहुत सारी अच्छी चीज़ें हैं जिनको देख के लगता है कि नहीं, सब आगे हो रहा है और अच्छा हो रहा है। और जिस तरीके से उनके पेरेंट्स, माँ बाप उनको सपोर्ट करते हैं, तो आधी आबादी जो है वो आगे छा रही है। आप सबसे ये कहना चाहूँगी